हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है छात्रा प्रतिभा खिलवाड़, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पर। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है भाई, ये मुझे बता दो आप लोग, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। एक मंथ आपका बचा हुआ है और एक मंथ में ही आपको बहुत सारा टेंशन लेके चलना है। तो टेंशन तो चलेगा ही, क्योंकि पेपर तक का। अब मैं कितना भी आपको बोलने की कोशिश करूं कि भाई प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं वो दिमाग में आती रहेगी, क्योंकि वो बोर्ड का जो टैग हमारे दिमाग में लगा है वो कहां जाएगा, दिमाग में ही तो रहेगा वो चीजें, क्योंकि हमको क्या करना है, तैयारी करते रहना है। तो भाई, हमारे मुख्य सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश को हल्के में मत लीजिएगा। इंग्लिश जो है कभी कभी डाउन भी कर देता है, तो उसको भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश को भी, ठीक है। रोज एक एक घंटा हिंदी इंग्लिश के लिए निकालते रहो। बाकी मुख्य सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता है उस पर टाइम ज्यादा दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ओके ओके मैं कर लूंगी, तो उसको कम समय दीजिए, लेकिन डेली को पढ़िए। डेली का एक दिन का समय टारगेट बना लीजिए कि आपको कितने कितने घंटे में, मतलब कितने कितने घंटे में आपको कितनी कितना तैयारी करना है। तो भाई, आज के सेशन में आज हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे मिशन 2023 में, मतलब तैयारी फिर से जीप की होने वाली है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के 5 अंक के बारे में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो पहले ही एक लेक्चर 5 अंक के बना चुकी है और हमने देख भी लिया, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जनन से जो बच्चे क्वेश्चन जो है आते हैं, और जनन से मैं बार बार अगर मैं देखूं, एनालिसिस करूं, तो वहां से मुझे 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो कंटिन्यू आए हुए हैं, ठीक है। मतलब 20 में या 21 और 22 और 18 में भी बात करूं और 16 में भी बात करूं, तब भी ये मुझे क्वेश्चन बार बार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है इससे बाहर का क्वेश्चन 5 अंक का नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसी को ही आप टारगेट बना के रखो, ये कर लिए तो आपको 5 अंक के क्वेश्चन इस यूनिट से कहीं नहीं गए हैं। तो आप मेरे साथ अब क्या चीज तैयारी करना है भाई, साल भर से आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप अपने अपने रिवीजन कर रहे हो। अभी क्या करोगे, सिर्फ रिवीजन का समय है, तो आप चेक करते जाओ कि आपने जो एक साल से पढ़ा हुआ है उसमें आपको कितनी जानकारी है, आप कितना लिख सकते हो। और प्रैक्टिस, मैं बार बार इस शब्द को कहती हूँ, प्रैक्टिस, आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि बस उठा लिए, बेड में लेट गए और सिर्फ ऐसा पुस्तक निकाल के बस पढ़ रहे हो, नहीं, आपको क्या कर रहे हो, उसको लिख लिख करके डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम में। तो चलिए भाई, आज के सेशन में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट से जो 5 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं उस पर। मैंने पार्ट एक जो 5 अंक का है वो बना दिया है, जिसमें 2 मैंने बात की थी आपके जो आपका जनन है, मतलब एक मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम देखेंगे उसी के आगे का जो क्वेश्चन आता है 5 अंक का, वो है क्या, पहला प्रश्न, जिसमें हम बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, शुक्राणु जनन, ये आ चुका है पेपर में, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको क्या है, दम लगाइए कि ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे वहां पर। यहां पर मैं एक आंसर राइटिंग जो है दिखा रही हूं कि इतना लिखोगे सफिशियंट है, आपका 5 अंक कहीं नहीं गया है, फालतू चीजें नहीं लिखेंगे, जो जरूरी है उतनी चीजों को लिखो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा है क्या, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु जनन आप लोग को समझ आ गया होगा कि युग्मक जनन, युग्मक जनन मतलब युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। और युग्मक जनन में कौन कौन से युग्मक, एक तो शुक्राणु बनता है और दूसरा अंडाणु बनता है। तो शुक्राणु बनना और अंडाणु बनना, इसी प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। अगर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शुक्राणु जनन, अगर अंडाणु जनन आएगा तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए देखेंगे पूरा आंसर राइटिंग के साथ में, हम देखेंगे पूरा डाल चुकी हूं मैं यहां पर, ठीक। चलिए, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं और मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था,
अब देखो यहाँ पर शब्द क्या दिया, बनने तक की अवस्था को बताना है, ना कि शुक्राणु के चित्र को बनाना है। अगर शुक्राणु का डायग्राम देगा तो आप शुक्राणु बनाओगे, लेकिन यहाँ पर बोला है कि आप बनने तक की अवस्था, भाई बना दो लास्ट स्टेज तक, फिर कैसे कैसे स्टेज में वो बनेगा वो पूछा है। तो भाई आ जाते हैं, यही आपका शुक्राणु है, यही मुझे बनाना है, कैसे बनाओगे? तो ये आया छत्तीसगढ़ आपके 2019 का प्रश्न है। तो आप क्या और देखते जाओगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो चलिए भाई इसका आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे, तो ये देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है? तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, भाई आंसर देखो क्या लिखा है, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस आप सबको पता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, लिखने का पैटर्न देखिए कि कैसे लिखना है आपको, ठीक है? देखिए क्या लिखा है हमने यहां पर, वृषण के, हमने बताया क्या था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, हमने पूरा पूरा बता दिया है कि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, कौन सी कोशिका बनाती है, कैसे बनता है, कैसे बाहर निकलता है, सारा कुछ बना हुआ है पहले लेक्चर में। आज आप बस देखोगे क्या लिखने का पैटर्न, क्या लिखना है यहां पर, ठीक? तो उत्तर लिखा है वृषण के शुक्राणु जनन नलिका, हमने क्या देखा था वृषण में क्या होता है, 1, 2 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है, ठीक है? तो उसी को कह दिया क्या शुक्रजनक नलिका में ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है? तो शुक्रजनक नलिका में जो प्रीमोर्डियल उसका जर्म सेल होता है, मतलब अगर मैं इस शुक्राणु जनन, हमने यही बात की थी ना, ये वृषण है 250 कंपार्टमेंट, याद करिए 250 वृषणी पिंडक, 2 से 3 शुक्रजनक क्या था नलिकाएं थी, और यही नलिकाएं की जो सेल है, कौन सी सेल, जो आदि बीजी कोशिका, ज्यादा हिंदी हो गया आपको, उसको लिख सकते हो प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, ठीक है? तो इस जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उसी से ही शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप सीधा इतना ही लिख सकते हैं कि वृषण में शुक्रजनक नलिका से ही शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु का बनना, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है? शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई, शुक्राणु जनन। कहां बनता है, वृषण में, वृषण में कौन सी नलिका, 2 से 3 शुक्रजनक नलिका में बनता है। दैट्स इट, खत्म करेंगे यहां पर। अब आते हैं इसके प्रोसेस, भाई उसमें पूछा ना प्रवस्थाएं बताइए, प्रवस्थाएं पूछा है तो आप प्रवस्था बताओ, भाई कौन सी प्रवस्था होती है। तो यहां मुख्य जो प्रवस्था है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है भाई, तो पहला चरण आप याद रखेंगे, जब भी प्रोसेस पूछता है, जब भी प्रोसेस पूछता है तो याद रखेंगे आप पहले एक लाइन में लिख दीजिए शुक्राणु जनन की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में होती है। उसके बगल में आप शुरू नहीं करेंगे, उसके जस्ट नीचे शुरू करेंगे। भाई पहला क्या लिखा है यहां पर, पहला दे दिया क्या स्पर्मेटिड का निर्माण, पहला क्या पूछा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड का रूपांतरण होता है। याद रखेंगे जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है निम्नलिखित 2 चरणों में होती है। कई बच्चे यहां पर एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, सीधा लिखते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लिखते हैं, उसके बाद सीधे इस प्रवस्थाओं को लिख देते हैं, ठीक है? अभी जब अर्धवार्षिक पेपर चल रहा था हमारे स्कूल में तो मैं कई बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी, उसमें उन्होंने यही गलतियां की है, और मैंने वहां पर भी ये शब्द कहा कि आप शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जब लिखते हो तो सीधे इसको मत लिखो, इस प्रवस्था को ना लिखो, पहले आप बताओ कि ये कितने चरण में है, 2 चरण। वहां पर बताओगे पहला क्या होगा स्पर्मेटिड बनता है, दूसरा क्या होता है स्पर्मेटिड का रूपांतरण होता है, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा क्या है, पहले स्पर्मेटिड बनता है, देन स्पर्मेटिड आपका उसका रूपांतरण होकर के शुक्राणु बनता है, इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है? फिर आते हैं क्या, अब स्पर्मेटिड का जब निर्माण होगा वो होगा भाई 3 अवस्थाओं में। जब स्पर्मेटिड बनता है, अभी आप सोच रहे होगे भाई स्पर्मेटिड मैम क्या बोल रही है, आपने पढ़ा हुआ है, याद करिए, ये रिवाइज चल रहा है, तो अभी मैं बताऊंगी क्या होता है स्पर्मेटिड, ठीक? तो चलिए पहला अवस्था क्या है, गुणन प्रावस्था आप लिखेंगे, दूसरा वृद्धि, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। यानी कि गुणन प्रावस्था होगा पहला, गुणन मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है? वृद्धि प्रावस्था भोज्य पदार्थों को एकत्रित करना और ग्रो करना, वृद्धि मतलब बड़ा होना। तीसरा परिपक्वन मैच्योर अवस्था, ठीक है? तो ये 3 प्रवस्थाएं होती है स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया में। एक एक को आप समझते जाएंगे ये क्या चीज है,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला आता है आपका गुणन प्रावस्था। ठीक, तो पहला स्टेज क्या कहा हमने, गुणन प्रावस्था की बात की। देन उसके बाद आते हैं वृद्धि प्रावस्था। तीसरा क्या है, मैच्योरेशन फेज की बात करेंगे। अब इसको इसको पढ़ने से पहले एक हम यहाँ पर एक डायग्राम है उसको यहाँ पर देखते चले जाइए। ठीक है, ये है आपका क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या है ये। देखो ये आपका पहले, सबसे पहले हमने क्या कहा था, प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है, जनन कोशिकाएं होती है, वो विभाजन करती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है वो विभाजन करेगी, सबसे ऊपर में यहां पर लिख सकते हो प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, यहां पर ऊपर में लिख सकते हो जनन कोशिका। पहले सबसे पहले क्या होता है, जनन कोशिका उपस्थित में होती है, जनन कोशिका विभाजित होगी और क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम। ये पहला क्या बना है बेटा, ये बना है स्पर्मेटोगोनियम बना है। ठीक है, पहला क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम। लेकिन कौन सा विभाजन, तो याद रखेंगे यहां पर लिख देंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन है इसी प्रक्रिया से ही, समसूत्री विभाजन से ही क्या बना, स्पर्मेटोगोनियम। यानी कि आप बोल सकते हैं प्रीमोर्डियम जर्म सेल जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाया, आपका स्पर्मेटोगोनियम बना दिया। फिर से अब यहां पर स्पर्मेटोगोनियम है तो शुरू में हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46। यानी कि जनन कोशिका में, जनन कोशिका में यानी कि शुक्रजनक कोशिका पहले कैसी होगी, इसमें होगा क्या 46, यानी कि 2n होता है ना। अब 2n होगा इतना समझ गए, लेकिन समसूत्री विभाजन करके, जब भी समसूत्री विभाजन करेगा तब भी क्या बनाएगा, 2n ही बनाएगा, क्योंकि समसूत्री का मतलब होता है समान। ठीक है, समान क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम यहां पर 2n है, 46 है। अगर ये अर्धसूत्री करेगा तो हाफ ऑफ n n बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर क्या किया बेटा, समसूत्री किया। तो समसूत्री का क्या मतलब होता है, समसूत्री का मतलब समान। ठीक है, समान क्रोमोसोम आ जाएगा। तो जब यहां पर समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के फल स्वरूप कितनी कोशिकाएं बनी, 2। लेकिन यहां पर 2n और 2n रहेगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके चेंज नहीं होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, तो 2n हो गया। तो ये क्या बनाया बेटा, यही है आपका क्या, स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है आपका, यहां पर लिख सकते हो भाई स्पर्मेटोगोनियम लिख सकते हो। यहां पर मैं ये लिख देती हूं, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम कोशिका ये कैसी हो गई, ये भी 2n है। चलो भाई हम एक की बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। अब जब स्पर्मेटोगोनियम है इसमें भी कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ध्यान दे जाइए, लाइन से हम पढ़ते जा रहे हैं। पहला स्पर्मेटोगोनियम कैसा है, 2n, जनन कोशिका से 2n बना। देन फिर से अब क्या होगा, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। आगे चल के ये किसका निर्माण करता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेता है। हम लिख सकते हैं इसके आगे क्या, इसी के आगे मैं देखो, मैं पीछे वाले पेज में फिर से बना के दिखा दूंगी, अभी यहां पर समझते जाओ। स्पर्मेटोगोनिया यहां पर बना दिया, ठीक है। तो अभी तक जो फेस हो रहा था वो क्या हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस। ठीक है, यानी कि गुणन प्रावस्था, इसी को तो बोले ना तीन फेस में। पहला प्रावस्था क्या है, गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में अभी तक समसूत्री विभाजन हुआ और क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर दिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर दिया। अभी पीछे बना दूंगी फिर से डायग्राम, घबराओ नहीं। ठीक है, चलो इसको भी देखोगे तो भी समझ आ रहा है। अब स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है आगे आकार में वृद्धि करेगा और क्या बना लेगा, मतलब विभाजन, आगे ग्रोथ करेगा पहले वो, और क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आगे वृद्धि करेगा, इसीलिए तो यहां पर लिखा है कौन सा फेस, ग्रोथ फेस लिखा है, मतलब वृद्धि प्रावस्था। तो आगे चल के ये मैच्योर होगा भाई, भोज्य पदार्थ लेगा है ना, और बड़ा हो जाएगा आकार में, तो ये क्या निर्माण करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना दिया।
अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक विभाजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था। यहाँ पर दो अर्धसूत्री विभाजन मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो पहला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था। तो जब अर्धसूत्री हुआ, अभी तक हम 2n बात कर रहे थे, अब ये 2n जो है अर्धसूत्री हो गया, अर्ध मतलब आधा, तो 2n से क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर यहीं पर बना देती हूँ, 2n से क्या बन जाएगा, nn बन जाता है। चलो यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, 46 क्रोमोसोम था, जब आधा करोगे तो कैसा बन जाएगा, 23 और 23, यानी कि n और n, ठीक है। यानी कि ये क्या था, प्राथमिक आपका स्पर्मेटोसाइट था, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ, और इससे क्या बन गया, आपके प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो 46 क्रोमोसोम था वो हाफ हाफ हो गया, अब कैसा हो गया, ये सब हैप्लॉइड, आधा हो गया। तो यहां पर भी एन हो गया और यहां पर भी एन हो गया, इतनी चीजें क्लियर। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करके क्या बनाता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है, ठीक है। ध्यान देना, शुरू में अभी तक क्या चल रहा था, समसूत्री विभाजन, अब क्या चल रहा है, समसूत्री विभाजन जब हुआ तो एक कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ली, मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो है, एक जो है क्या बनाया, वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, देन स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ और क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। इतनी चीजें क्लियर, आगे देखते जाइए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है क्या निर्माण करेगा, इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये आगे चल करके फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड करते हैं, यानी कि फिर से विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड स्टेज करेंगे, और कितना बना लेंगे, 1 2 3 4 चार कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो अभी तक देखो, 1 से 2 बना था, 2 से कितना बन गया, 4, तो ये चारों को हम कहते हैं क्या, स्पर्मेटिड कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या निर्माण हुआ, इसमें भी एन रहेगा, इसमें भी एन, क्यों एन भाई साहब, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री ही विभाजन हुआ, ठीक है, इसलिए यहां पर एन एन ही रहेगा, ना कि 2n रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया, क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज 23 का 23 गुणसूत्र ही रहने वाला है। तो चार स्पर्मेटिड बना, ध्यान रखेंगे यहाँ, 4 स्पर्मेटिड बना हुआ है। तो हम देख लिए कितना स्पर्मेटिड, 1 2 3 4, भाई साहब 4 स्पर्मेटिड बन गया। और अब स्पर्मेटिड का रूपांतरण होगा, स्पर्मेटिड में विभाजन नहीं, हम बोलेंगे रूपांतरण, ठीक है। स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का, ये क्या, मैच्योर 4 शुक्राणु का निर्माण करती है, 1 2 3 4, है ना, तो 4 शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, देख रहे हो, एक कोशिका से ही 4 बन रहा है, इसीलिए बहुत सारे, मतलब लाखों की संख्या में शुक्राणु यहां पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे शुक्राणु जो है ओवम तक जाते हैं, क्योंकि ओवम सिर्फ एक ही होता है, लेकिन शुक्राणु की संख्या जो होती है लाखों की संख्या में होती है, और कोई एक ही शुक्राणु जो होता है एक विशिष्ट साइट पर, अंडाणु के विशिष्ट स्थान पर ही जाकर के उसको भेद सकता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ध्यान देंगे, ये है शुक्राणु बनने तक की अवस्था। तो इतना चीज आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा फेज देखे आप, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था देखे, ठीक है, फिर आता है ग्रोथ फेज देखे, ग्रोथ फेज के बाद आपका कौन सा फेज आता है लास्ट में, आपका मैच्योर फेज। तो मैच्योर फेज यहां पर हो गया आपका परिपक्व अवस्था, क्योंकि स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण
हो गया है, तो इतना चीज आपको लिखना है। तो चलिए भाई लिखा वाला थोड़ा देख लेते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या होता है, थोड़ा सा लिखा उसको ध्यान देते हैं। अब देखो क्या लिखना है आपको पेपर में। पहला प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन प्रवस्था। तो मल्टीप्लिकेशन प्रवस्था क्या है बेटा, ध्यान देंगे, इस प्रवस्था में जनन कोशिकाएं बार बार विभाजित होती है, और विभाजन कौन सा विभाजन बोली थी मैं अभी, समसूत्री विभाजन की बात हुई थी। और समसूत्री विभाजन जब होती है तो कुछ कोशिकाएं बनती है, तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना था, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना था, ठीक है। तो दूसरा वृद्धि प्रवस्था हो गया, ग्रोथ फेज अवस्था, तो क्या बनता है इसमें, स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थ को एकत्रित करेगी और क्या बना लेगी भाई, आकार में बड़ी होकर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्व अवस्था। तो इस प्रवस्था में जो प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट होता है, इसी में दो बार अर्धसूत्री विभाजन, मतलब एक बार करेंगे तो क्या बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन जब पहला करेंगे तो क्या बनता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है। तो यहां लिखा है दो बार विभाजन होता है, और प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, दो अगुणित कोशिका बनी NN हमने देखा है, और इसी को हम लोग क्या बोल दिए, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब कुछ समय बाद द्वितीयक परिपक्व विभाजन होगा, तो इस जिसके बाद बनी कोशिकाओं को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्पर्मेटिड। इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटिड लिखना जरूरी है। अब स्पर्मेटिड में क्या होगा भाई, इस प्रकार परिपक्व प्रवस्था पूर्ण होने तक एक आदि जनन कोशिका से, एक जनन कोशिका से कितना बना, चार अगुणित स्पर्मेटिड यानी कि हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, ठीक है। और स्पर्मेटिड, अब नेक्स्ट देखिए लास्ट क्या था, सेकेंड हमने देखा था ना, दो चरणों में व्यक्त हुआ था, एक स्पर्मेटिड का निर्माण, तीन अवस्था खत्म, दूसरा क्या था, स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो स्पर्मेटिड का जब कायांतरण होता है तो कुछ नहीं होता भाई, वो जो गोलाकार स्पर्मेटिड था वो रूपांतरित हो जाएगा और विकसित पूर्ण चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो शुक्राणुओं का जो था वो हमने 3 मार्क्स में भी इसके बारे में बात की थी, आई होप वो चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो शुक्राणु भाई, ये है आपका शुक्राणु का चित्र। तो शुक्राणु में क्या क्या चीजें देखते हैं आप, हेड रीजन है ना, सिर रीजन है, हेड हो गया, ये नेक रीजन हो गया, मध्य भाग हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, और नीचे क्या है, पूंछ हो गया। ये क्या है आपका, हेड है, ठीक है। ये क्या है आपका, नेक है, नेक हो गया, और ये क्या है आपका, टेल रीजन है, पूंछ भाग है, ठीक है। तो हेड रीजन यानी कि सिर भाग में आपको पता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है ना, ऊपर में क्या होता है, एक्रोसोम होता है। अच्छा, एक्रोसोम का काम क्या होता है, आपके अंडाणु को भेदने का काम करता है, मतलब ये एक एंजाइम सिक्रेट करेगा और एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है, वो अंडाणु को भेद सकता है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम हो गया, देन न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, पता है होगा आपको, ये नेक रीजन होता है यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्रीवा पार्ट, कहते हैं ग्रीवा, है ना। फिर और इसी मध्य भाग में ही आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब एक क्वेश्चन और है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं क्या, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो अब बताओ यहां पर एक शब्द लिखा कि विकसित चल शुक्राणु, ये चल शब्द का जो प्रयोग हुआ, चल शब्द का जो प्रयोग हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि यहां पर पाया गया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा प्रवाहित, ऊर्जा देना, ठीक है। और ऊर्जा के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरे जगह ये जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं, गति कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, समझ आ रहा है आप लोग को। तो ये है शुक्राणु का चित्र, ठीक है। और ये पूंछ है, पूंछ के माध्यम से वो क्या करता है, तैर सकता है, इधर से उधर मूवमेंट कर सकता है। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी शुक्राणु में, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए
आगे देखते हैं हम इसके आगे का जो टॉपिक है, अंडाणु जनन की हम बात करेंगे। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। अगर मैं अंडाणु जनन का भी इसी में पढ़ाऊंगी तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो उसको आगे वाले हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इसको अच्छे से आप बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसका पेपर में, ठीक है। क्योंकि पिछले अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये आया नहीं है, मतलब चांसेस है इसके डन है वो आ सकता है यहाँ पर। तो आप इसको अच्छे से पेपर में बनाएंगे, पूरा डायग्राम के साथ पूरा अवस्था लिख करके पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसको आपको 5 अंक कहीं नहीं जाएगा, पूरा आप बना सकते हो। बहुत इजी है, सिर्फ नाम को आपको याद करना है, सिर्फ प्रैक्टिस रखना है आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए भाई। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। यदि और कोई टॉपिक आपको समझना है उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैडम ये टॉपिक आप समझा दीजिए, तो मैं तो फिर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।